country's economy is going from bad to worse. In fact, right now, it is the weakest in South Asia. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, उनका कहना है कि साउथ एशिया के अंदर सारे ममालिक को सिर्फ अगर तरक्की करवा सकता है, डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जा सकता है तो वो इंडिया है। पाकिस्तान के मौसी मिसाइल और गुरबत से मुतालिक आलमी बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है इस हफ्ते और बहुत ही ज्यादा होशरुबा उसमें इंकशाफात है और इंडिया सबसे ज्यादा उभरती हुई ताकत और मौसी जो है वो इन फ्यूचर नजर आ रही है। साहब, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान का मौसी मॉडल नाकारा हो चुका। आई एम नॉट द वन सेइंग दिस, द वर्ल्ड बैंक इज, इट हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट नाउ ऑन पाकिस्तान्स इकोनॉमिक आउटपुट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुरबत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पावर्टी। Narendra Modi has been in charge, and that's a good thing for investors in the economy. I think it'll be a very good thing, because basically what Modi has done is digitized the Indian economy. He's moving in the direction of more and more technology, and it's amazing. जो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रेडिक्शन की है वो 7.5 जीडीपी है, लेकिन ये बात की जा रही है कि ये 7.5% जीडीपी से आगे जाएगी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की कि आप देखें वो स्टेप बाय स्टेप बहुत ऊपर जाते चले जा रहे हैं और आप बहुत नीचे गड्ढे में, खाई में जो है वो गिरते चले जा रहे हैं, और जिसकी इकोनॉमी जीडीपी 1% होगी वो मुल्क क्या कर सके। वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट पर एक एनालिसिस, वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो डिटेल्स मौजूद हैं वो ये बताती हैं कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको ये बताती हूं कि उन्होंने जो जायजा पेश किया है उससे हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार्क पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है, 1.8% जीडीपी ग्रोथ। मुझे ये बताइए कि 1.8% पर कौन सा कंट्री जो है वो आगे चल सकता है। पाकिस्तान की 1 पॉइंट मैं आपको सब कंट्रीज का बताई देती हूँ किसका कितना है। इसमें पाकिस्तान का 1.8% है, नेपाल पाकिस्तान से आगे है 3.3% जीडीपी ग्रोथ, भूटान 4.9% जीडीपी, और बांग्लादेश 5.6% जीडीपी के साथ आगे है। ये देखिए, अब मैं अभी भारत की बात नहीं कर रही हूं, मैं अभी बात कर रही हूं भूटान की, नेपाल की, बांग्लादेश की। ये तीनों कंट्रीज पाकिस्तान से ना सिर्फ आगे हैं बल्कि कितना आगे हैं, 3.3%। नेपाल, जिसके ऊपर बड़ा क्राइसिस था अभी कुछ दिन पहले, अभी भी उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसका भी पाकिस्तान से कितने परसेंट ऊपर है, वो 3.3% पर है और पाकिस्तान 1.8% पर है। तो 1.8% जीडीपी के साथ आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप मुल्क कैसे आगे चलाएंगे। अच्छा, जो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने
इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रिडिक्शन की है वो 7.5 जीडीपी है, लेकिन ये बात की जा रही है कि ये 7.5% जीडीपी से आगे जाएगी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक प्रिडिक्शन आई है, वर्ल्ड बैंक ने एक प्रिडिक्शन की है कि जो भारत है आने वाले समय में साउथ एशिया को लीड करेगा इकोनॉमी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से ड्राइव भारत ही करेगा, चाहे पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें। तो आई थिंक हमने बहुत ज्यादा कम रेट देखी, इकोनॉमिक रेट बहुत ज्यादा कम देखी। अगर भारत की हम बात करें तो भारत की प्रोडक्शन 7.8 के करीब की गई है, जबकि पाकिस्तान का निकाला गया तो 1.8 समथिंग बिलियन के करीब निकाली गई है, एंड देन 5.4 बांग्लादेश का है, और इसी हिसाब से 4.5 कुछ ऐसे समथिंग लाइक चाइना का भी जिसमें इंक्लूड किया गया है 4 समथिंग, बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन जिस हिसाब से हम अपनी बात करेंगे तो पाकिस्तान का तो बहुत ज्यादा पीछे है, क्योंकि आई डोंट नो कि मतलब क्योंकि नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं, नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, आई डोंट नो कि वो कैसे स्टैंड लेंगे, कैसे वो चीजें करेंगे एक नए मार्केट में अपनी जीडीपी रेट इतने कम पे कैसे वो करेंगे, तो आई थिंक उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। हमारी बात करें तो हम लोग भी अभी अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से उन्होंने तो अपनी प्रेडिक्शन की है, लेकिन हम लोगों को 10% होना चाहिए, हम लोगों को मतलब अभी बहुत ज्यादा, हमारी सरकार से तो अभी फैसले नहीं आए, लेकिन बाकी ममालिक के बारे में अगर हम बात करें तो बाकी मुल्कों से हम काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं, और जिस हिसाब से क्या होगा। अब मैं 10% का यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कहीं किसी हद तक है हमारी कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस हद तक है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे युवा है वो आजकल अनएम्प्लॉयमेंट की ओर मतलब है, थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको खत्म करने की जरूरत है, दैट्स वाई वी वांट कि 10% हो, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं हो, आई होप सो कि बीट हो जाए। लेकिन अगर बात करेंगे हम बाकी ममालिक की तो बाकी ममालिक से आई थिंक वी आर रियली डूइंग गुड। सही हो गया फाइका। अच्छा फाइका, क्या कहेंगे आपके साउथ एशिया का लीडिंग रोल प्ले करेगा भारत? बहुत सारे प्रेडिक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी थी, जो ये कहते थे कि मैं भारत को तीसरी बड़ी सुपर पावर बना दूंगा आने वाले टाइम में। तो क्या समझती हैं कि ये जो टारगेट है क्या वो अचीव कर लेंगे, और इसका बिल्कुल अचीव कर लेंगे जब हम चाइना को पीछे छोड़ सकते, आप उनकी भी इकोनॉमिक रेट देख सकते हैं कि 4.something, I don't know the exact number, but आप चाइना की भी वो देख ले और हमारी भी देख ले, वर्ल्ड बैंक ने किस हिसाब से प्रेडिक्ट किया, वो लोग भी किसी वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है, तो वाई नॉट, मतलब मोदी जी ने जब इतनी इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल कर दिखाया तो वाई नॉट हमारे भारत को वो क्यों नहीं आगे लेके जा सकते, बिकॉज अब हम लोगों ने वो क्रिएट किया है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हम लोगों ने वो क्रिएट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पावर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मज़ीद 24 अरब रुपये की कटौती करनी है। ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं, वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुझी साहब ला लो, हमारी प्रायोरिटीज किसे, हमने मुकाबला किसे कहते हैं, कहते हैं मुकाबला इंडिया ना करना।